कहानी की शुरुआत में हमें बादलों को देखा जाता है जहाँ पे अजीब तरह से बिजली कड़क रही होती है। फिर हम एक कार को देखते हैं जिसको डॉक्टर इगोन चला रहे होते हैं। दरअसल इगोन एक गोस्ट हंटर होते हैं जो कि गोस्ट को पकड़ के अपने डिवाइस में ले जा रहे होते हैं। तभी इगोन को लगता है कि कोई गोस्ट मेरा पीछा कर रहा है, जिससे वो अपने कार को तेजी से भगाने लगते हैं। लेकिन गोस्ट उनके कार पे अटैक कर देता है, जिससे उनकी कार झाड़ियों में जाके पलट जाती है। इगोन अपने कार में से निकल के अपने घर की तरफ भागते हैं और घर पे जाके गोस्ट मशीन को चालू कर देते हैं। दरअसल इगोन गोस्ट को पकड़ने के लिए अपने घर के बाहर एक गोस्ट मशीन लगाए होते हैं। जब गोस्ट उस जगह पे आता है तभी मशीन अचानक से खराब हो जाती है। ये देखकर इगोन घर में चले जाते हैं और कोई दूसरी डिवाइस को ले लेते हैं। ये डिवाइस ऐसा होता है, अगर कोई गोस्ट इस डिवाइस के आसपास रहेगा तो ये डिवाइस चालू हो जाएगी। लेकिन तभी रूम में ढेर सारा धुआं आने लगता है, जिसमें से एक गोस्ट निकलता है और डॉक्टर इगोन को मार देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम डॉक्टर इगोन के बेटी को देखते हैं, जिसका नाम कैली होता है। कैली के दो बच्चे होते हैं, फीवी और ट्रेवर। फीवी एक स्मार्ट गर्ल होती है जो मशीन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती है। इसके बाद हम कैली को देखते हैं जो अपने बेटे ट्रेवर का हेयर कट कर रही होती है। तभी दरवाजे पे रूम का मालिक आ जाता है और कैली से रूम का किराया मांगता है। कैली रूम के मालिक से बोलती है, मेरे डैड की डेथ हो गई है, मैं आपको 2 वीक के अंदर आपके पैसे दे दूंगी। रूम के मालिक को कैली के ऊपर भरोसा नहीं होता है, इसीलिए वो कैली को वार्निंग देके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कैली अपने दोनों बच्चों के साथ अपने डैड के फार्म हाउस पे जाती है। जब सब घर पहुंचकर उसके अंदर जाते हैं तभी वहाँ पे भूकंप आ जाता है और कैली भूकंप से बचने के लिए अपने दोनों बच्चों को टेबल के नीचे ले जाके छिप जाती है। तभी फीवी को एक चेयर के नीचे एक डिवाइस मिलता है और वो डिवाइस को लेके देखने लगती है। ये एक गोस्ट ट्रैकिंग डिवाइस होता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर इगोन की फ्रेंड आ जाती है जो इगोन की पैसों के मामले में हेल्प किया करती थी। कैली बातों ही बातों में उनसे पूछती है, मेरे डैड और कुछ छोड़ के नहीं गए? वो बोलती है, तुम्हारे डैड तुम लोगों के लिए यही फार्म हाउस छोड़ के गए हैं। इसके बाद रात में सब खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पे ट्रेवर को एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम जेनी होता है। ट्रेवर उस लड़की से बात करने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है और सोचता है, अगर हमें इस लड़की से फ्रेंडशिप करना है तो हमें भी इस रेस्टोरेंट में काम करना होगा, जिससे वो जेनी से बोलता है, मैं भी इस रेस्टोरेंट में काम करना चाहता हूँ। जेनी ट्रेवर से बोलती है, तुम्हें एक फॉर्म भरना होगा जिससे तुम यहाँ पे काम कर पाओगे। दूसरी तरफ कैली फीवी से बोलती है, तुम्हें भी एक फ्रेंड बनाना चाहिए। फीवी उनसे बोलती है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं है। इसके बाद रात में जब कैली कुछ पढ़ रही होती है तभी गोस्ट ट्रैकिंग डिवाइस चालू हो जाती है और चेस भी गिर जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि रूम में कोई गोस्ट है। लेकिन फीवी को अभी उसके बारे में पता नहीं है, इसलिए वो चेस के गोटियों को अरेंज करके सो जाती है। इसके बाद हम ट्रेवर को देखते हैं जिसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है और वो नेटवर्क के चक्कर में इगोन के गैरेज को देख लेता है, लेकिन ज्यादा रात होने की वजह से वो कुछ भी नहीं देख पाता। मॉर्निंग में फीवी जब सोकर उठती है तो वो देखती है चेस की एक गोटी आगे बढ़ी है। फीवी ये देखकर हैरान हो जाती है और अपनी पारी चलकर अपने मॉम के साथ स्कूल चली जाती है। तभी फीवी की मॉम राय से मिलती है जो कि स्कूल के टीचर होते हैं। राय सभी स्टूडेंट को कार्टून दिखाते हैं क्योंकि सभी स्टूडेंट पढ़ने में वीक होते हैं और वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। फीवी कार्टून को देखकर बोर होने लगती है। तभी उसकी मुलाकात जैक से होता है जो काफी कॉमेडियन होता है। वो माइक से फीवी से पूछता है, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? फीवी उससे बोलती है, मैं कार्टून देखकर बोर हो रही हूँ। तभी वहाँ पे भूकंप आ जाता है और फीवी स्टाफ रूम में चली जाती है, जहाँ पर राय वोल्केनिक इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहे होते हैं। फीवी वहाँ पे मैप और माइनिंग के फोटो को देखने लगती है और राय से कुछ पूछती है, जिससे राय समझ जाते हैं कि फीवी उन बाकी स्टूडेंट जैसी नहीं है और उसे राय कुछ पढ़ाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फीवी और जैक में दोस्ती हो जाती है। जैक फीवी को कुछ दिखाने के लिए सिंडोरा माइन पे ले जाता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। फीवी को वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ दिखती हैं। जैक बताता है, ये मूर्तियाँ गोस्ट की हैं जो कि अब पत्थर बन गए हैं। इसके बाद फीवी और जैक अपने घर की तरफ जाते हैं। जैक फीवी के नानू के घर को देख के बोलता है, तुम यहाँ रहती हो, यहाँ तो गोस्ट रहते हैं। फीवी जैक के बातों को मजाक समझ के अपने घर चली जाती है। जब रात में फीवी सोने के लिए जाती है तो वो देखती है चेस की गोटियाँ अपने आप ही चल रही हैं और वो चेस को देखकर हैरान हो जाती है। तभी गोस्ट ट्रैकिंग डिवाइस ऑन हो जाती है और फीवी डिवाइस को लेके गोस्ट को ट्रैक करते हुए उस फ्लोर के नीचे जाती है जहाँ पे उसको एक डिवाइस मिलता है जिसमें गोस्ट होता है। लेकिन फीवी को पता नहीं रहता है कि ये है क्या। फीवी उसे अगले दिन अपने स्कूल ले जाती है जहाँ पे जैक उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो डिवाइस को खोल नहीं पाता। तभी वहाँ पे राय आ जाते हैं और वो डिवाइस को देख के फीवी से पूछते हैं, तुम्हें ये डिवाइस कहाँ से मिला? फीवी उन सारी बातों को राय से बता देती है। राय फीवी से कहते हैं, ये गोस्ट ट्रैप है जिसमें गोस्ट को कैद किया जाता है। जब राय ट्रैप को देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि इसमें एक गोस्ट है। इसके बाद तीनों एक सेफ जगह पे जाते हैं गोस्ट ट्रैप को खोलने के लिए।
राय ट्रैप को हाई इलेक्ट्रिक पावर देते हैं जिससे वो नहीं खुलता। जब राय उसको अपने हाथों से टच करते हैं तो उसमें से एक भयानक गोश्त निकलता है और तीनों उसको देखकर डर जाते हैं, जो साइज में बहुत बड़ा होता है, और सिंडोरा माइन की तरफ भाग जाता है। इसके बाद तीनों फीवी के घर जाते हैं जहाँ पे जैक को एक खोपड़ी वाली सीटी मिलती है। फीवी के नानू उस सीटी से गोश्त को भगाया करते थे। जैक सीटी को बजाने लगता है, तभी कैली आती है और उसको बजाने से रोकती है। कैली फीवी के टीचर को देखकर सरप्राइज जाती है। राय फीवी के मॉम से बोलते हैं, हम देखना चाहते हैं कि इस भूतिया घर में है क्या। फीवी की मॉम उसको घर दिखाने के लिए अपने साथ ले जाती हैं। ये देखकर लग रहा है फीवी की मॉम राय को पसंद करने लगी हैं। इसके बाद जैक फीवी के नानू के बुक में वही गोश्त देखता है, जिससे दोनों को पता चल जाता है कि हमने जिस गोश्त को आजाद किया है वो एक गोश्त डॉग है। बुक में लिखा होता है, जब दो गोश्त डॉग मिलेंगे तो गोजर जिंदा होगी और वो सभी गोश्त की रानी होगी। इसके बाद हम देखते हैं जेनी ट्रेवर को अपने साथियों के साथ सिंडोरा माइन पे घुमाने के लिए ले जाती है और दोनों बात करने के लिए वेल पे लगे हुए लिफ्ट में बैठ जाते हैं। तभी उसी वेल में दोनों को कुछ अजीब तरह की चीज दिखती है और दोनों उसे देखकर लिफ्ट से उतर जाते हैं। लेकिन उसी टाइम उस वेल में से एक गोश्त निकलता है और सब उसको देखकर डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम फीवी को देखते हैं जो ट्रैकिंग डिवाइस को लेके इगोन के सीक्रेट रूम को खोज लेती है, जिसमें उसके नानू गोश्त डिवाइस को बनाया करते थे। फीवी वहाँ पे कुछ डिवाइस को देखती है और उसमें से एक डिवाइस को ठीक करने लगती है, और उसे ठीक करके अगले दिन फीवी जैक के साथ उस डिवाइस को चेक करने के लिए जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये डिवाइस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी अचानक कंपनी में से किसी के चीखने की आवाज आती है। जब दोनों कंपनी में जाकर देखते हैं तो वो एक गोश्त होता है जो लोहा खा रहा होता है। जैक गोश्त को भगाने के लिए फीवी के नानों के सीटी को बजा देता है, जिससे गोश्त गुस्सा होकर उन दोनों पे अटैक करने लगता है। इसके बाद फीवी गोश्त को पकड़ने के लिए उसके ऊपर मशीन से अटैक करती है, पर वो गोश्त बच के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम ट्रेवर को देखते हैं जो इगोन के कार को रिपेयर करके उसको स्टार्ट करता है, पर वो स्टार्ट नहीं होती। तभी अचानक कार में कोई शक्ति आती है जिससे कार स्टार्ट हो जाती है। ट्रेवर ये देखकर हैप्पी हो जाता है और कार को खेतों में ड्राइव करने लगता है। रास्ते में ट्रेवर को फीवी और जैक मिलते हैं। जैक ट्रेवर से लिफ्ट मांगता है। इसके बाद हम कैली और राय को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए होते हैं। इधर हम फीवी को देखते हैं जो ट्रेवर को बताती है, हमारे नानू एक गोश्त हंटर थे जो कि गोश्त को पकड़ा करते थे। बात करते करते तीनों सिटी में पहुंच जाते हैं। फिर उन्हें वही गोश्त दिखता है जो लोहा खा रहा होता है, जिससे फीवी फिर उसको पकड़ने के लिए मशीन से अटैक करने लगती है, पर वो पकड़ नहीं पाती और सभी सिटी में तोड़फोड़ कर देते हैं। फिर फीवी उसके ऊपर मशीन से अटैक करती है और जैक से बोलती है, जल्दी इसको गोश्त ट्रैप में कैद कर दो, और जैक गोश्त को ट्रैप में कैद कर देता है। लेकिन अब तीनों के पीछे पुलिस वाले पड़ गए होते हैं और उन तीनों को पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं और उनके डिवाइस और मशीन को भी ले लेते हैं। फीवी ऑफिसर से कॉल करने के लिए फोन मांगती है और ऑफिसर एग्री हो जाता है और उसे फोन दे देता है। फीवी अपने मॉम को फोन करके बुला लेती है। फीवी की मॉम आकर तीनों को छुड़ाती है, लेकिन पुलिस वाले उनके डिवाइस को ले लेते हैं और फीवी घर आकर नाराज हो जाती है और अपने मॉम से बोलती है, आपने मुझे नानू के बारे में क्यों नहीं बताया। उसकी मॉम बोलती है, तुम्हारे नानू एक खराब इंसान थे जो हम लोगों को छोड़ के चले गए। फीवी कैली से बोलती है, नानू एक अच्छे इंसान थे, अब मुझे पता चल गया है। दरअसल फीवी जब डिवाइस को रिपेयर कर रही थी तो इसके नानू हेल्प कर रहे थे डिवाइस को रिपेयर करने में, जिससे इसको पता चल जाता है कि नानू एक अच्छे इंसान थे। इसके बाद हम राय को देखते हैं जो कुछ लेने के लिए एक मॉल में जाता है, जहाँ पे उसको कुछ अजीब तरह के टैडी देखते हैं। राय टैडी को देखकर टच करता है, जिससे टैडी गुस्सा होकर उसको काट लेता है और वहाँ पे ढेर सारे टैडी निकलने लगते हैं। राय उन सभी को देखकर दूसरी तरफ जाता है, जहाँ पे वो एक भयानक डॉग को देखता है। दरअसल ये डॉग एक गोश्त डॉग है जो कुछ खाने के लिए मॉल में आ गया होता है। गोश्त डॉग राय को देख लेता है, जिससे राय उसको देखकर डर जाता है और मॉल से बाहर निकल के अपने कार में चला जाता है। लेकिन गोश्त डॉग राय के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद हम फीवी, जैक और ट्रेवर उसके फ्रेंड जेनी को देखते हैं, जो प्लान करते हैं कि हमें सिंडोरा माइन पे जाकर देखना चाहिए कि वहाँ पर है क्या। जब तीनों उस माइन में जाते हैं तब देखते हैं एक बड़ी सी मूर्ति है जो सभी गोश्त की रानी है। तभी जैक एक मरे हुए इंसान को देखकर डर जाता है, जिससे सभी उस मरे हुए इंसान को देखने लगते हैं। इसके बाद फीवी एक कुएं में देखती है, जिसमें से ढेर सारे गोश्त निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गोश्त मशीन उन सभी को कुएं से बाहर निकलने से रोकती है। तभी जैक देखता है कि मरा हुआ इंसान जिंदा हो रहा है, जिससे सभी उसको देखकर डर जाते हैं। फीवी सारे मशीन को देखकर समझ जाती है कि ये सब मशीन मेरे नानू ने ही बनाया है, इसलिए वो हम लोग से दूर रहे। दूसरी तरफ हम कैली को देखते हैं जो ट्रैकिंग डिवाइस को लेके अपने डैड के सीक्रेट रूम में पहुंच जाती है और वो अपनी इमेज देखती है और समझ जाती है कि डैड मुझसे प्यार करते थे, मैं उनके बारे में गलत ही सोच रही थी। तभी वहाँ पे धुआं उठने लगता है, जिसमें से एक गोश्त निकलता है और कैली के ऊपर अटैक कर देता है। जब घर पे आके फीवी अपने मॉम को सारी बात बताने के लिए जाती है, तब वो अपने मॉम की आंखों को देख कर डर जाती है। दरअसल गोश्त अब फीवी के मॉम के अंदर होता है। दूसरी तरफ हम राय को भी देखते हैं, उसकी भी आंखें उस
उसी तरह लाल हो गई हैं। और वो गोश्त मशीन जो सारे गोश्त को बाहर निकलने से रोक रहा है और वो सारे मशीन को खराब कर देता है, जिससे कुएं में से सारे गोश्त बाहर निकल जाते हैं। और उसी टाइम सिटी में भूकंप आ जाता है। इसके बाद हम फीबी को देखते हैं जो परेशान होती है और सोचती है मेरे मॉम को हो क्या गया है। तभी फीबी को पता चल जाता है कि एक फार्म नहीं है, एक गोश्त ट्रैप है जहाँ पे गोश्त को पकड़ा जाता है। तभी फीबी की मॉम सिंडोरा पहाड़ों की तरफ भागती हैं जहाँ पे बिजली कड़क रही होती है। और जब दोनों गोश्त डॉग मिलते हैं तब गोजर पैदा होती है और मौसम भी खराब होने लगता है। इसके बाद चारों गोश्त हंटर के ड्रेस को पहन के तैयार होते हैं गोश्त को पकड़ने के लिए, क्योंकि इन चारों को पता चल जाता है कि ये सब गोश्त की वजह से ही हो रहा है। लेकिन उनका डिवाइस तो पुलिस वालों ने ले लिया होता है, लेकिन चारों प्लान करते हैं और पुलिस स्टेशन जाकर अपने डिवाइस को चुरा लेते हैं। इसके बाद चारों उसी सिंडोरा पहाड़ पे जाते हैं जहाँ पे देखते हैं फीबी की मॉम और राय एक डॉग बन गए हैं जो अब गोजर की सुरक्षा कर रहे हैं। तभी हम गोजर को देखते हैं जिसके आने से बहुत सारे गोश्त आने लगे थे। इसके बाद फीबी एक प्लान बनाकर गोजर को बहलाने के लिए जाती है जिससे वो गोजर को गोश्त ट्रैप में कैद कर सके, और उनका प्लान भी सक्सेसफुल हो जाता है जिससे दोनों गोश्त के नीचे एक ट्रैप को लगा देते हैं। गोजर फीबी से बोलती है तुम इस जगह पे आई हो अपनी कुर्बानी देने के लिए। फीबी बोलती है मुझे ऐसा तो नहीं लगता। तभी जैक डिवाइस को ऑन कर देता है जिससे फीबी की मॉम गोश्त डॉग से आजाद हो जाती हैं और गोजर भी गायब होने लगती है। इसके बाद ट्रेवर अपने मॉम को बैठा कर फार्म हाउस की तरफ ले जाता है। फीबी अपने मॉम से बोलती है आप एक गोश्त डॉग बन गई थी। उसकी मॉम उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। तभी गोश्त डॉग उनकी कार के ऊपर अटैक करता है जिसे सब बचते बचाते फार्म हाउस पे पहुंच जाते हैं और उस जगह पे गोजर भी आ जाती है। फीबी गोश्त मशीन को ठीक कर दी होती है और वो अपने मॉम से बोलती है गोश्त मशीन को ऑन कर दीजिए। जब उसकी मॉम गोश्त मशीन को ऑन करती है लेकिन तभी मशीन फिर से खराब हो जाती है। जैनी गोश्त मशीन से गोजर के ऊपर अटैक कर देती है लेकिन गोजर अपने पावर से जैनी को गोश्त डॉग बना देती है और पहले की तरह और पावरफुल हो जाती है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जिसके ऊपर गोश्त टैडी अटैक कर रहे होते हैं। इसके बाद गोजर फीबी और उसके मॉम पे अटैक करने वाली होती है। तभी वहाँ पे गोश्त हंटर आ जाते हैं जो फीबी और उसके मॉम को बचा लेते हैं, लेकिन गोजर इन सभी से पावरफुल होती है और उनके ऊपर अटैक कर उनको घायल कर देती है। इसके बाद फीबी अकेले ही गोश्त मशीन से उसके ऊपर अटैक कर देती है और तभी वहाँ पे फीबी के नानू भी आ जाते हैं जो फीबी की हेल्प करते हैं गोजर को पकड़ने में, और ट्रेवर मशीन के ऊपर अटैक कर उसको ठीक कर देता है जिससे सारे गोश्त पकड़े जाते हैं और गोजर भी खत्म हो जाती है। इसके बाद फीबी के नानू सभी से मिलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों इसी सीन से मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए गाइस बाय बाय टाटा टेक केयर।